إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الارض من نفخة هنالك تخرج اثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ. من الناس يومئذ ما لها من الناس إذ ما لها تحدث أخبارها ربها بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى इन हुआ इल्ला वाह यू हा से पहले आखिरी ज़माने में शर और फसाद बहुत फैल जाएगा फितनों की कसरत और फितनों की शिद्दत होगी अंधेरी रात की तरह फितने दुनिया को अपने घेरे में ले लेंगे ताकतवर कमज़ोर पर सितम की चक्की चलाएगा लेकिन मुसलमान सितम के इस दौर के अंदर भी एक रोशन सुबह के तलु होने का इंतज़ार करेंगे और वो रोशन सुबह उसके तल्ह होने से मुराद मोहम्मद करीम अलैहि वसल्लम के अहल बैत से इमाम महदी का हूर जो दुनिया पर फैले हुए हर तरह के और सितम को ख़त्म कर देंगे जैसे ज़मीन जुल्म से भरी हुई थी वैसे ही ज़मीन को आदल से भर देंगे इमाम मेहदी जो क़ियामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसनी सदना हसन बिन अली अन्हुमा की औलाद से लेकिन जहन में सवाल पैदा होता है कि महदी कौन है उनके जहूर के इसबाब क्या हैं वो कहाँ से ज़ाहिर होंगे क्या वो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं दुनिया में ज़हूर के बाद उनके काम क्या होंगे उनके साथ ही उनके पीछे चलने वाले कौन लोग होंगे आइए इन सवालात का जवाब अल्लाह की शरीयत से लेते हैं उनका नाम मोहम्मद उनके वालिद का नाम अब्दल्ला सैदा फातिमा रबी अल्लाह अन्हा की नस्ल से सदना की औलाद से सदना हसन की औलाद से ये उनका नाम और हसब व नस्ब है उनका नाम भी नबी करीम सल्लम के नाम पर और उनके बाबा का नाम भी आका सलात सलाम के वालिद के नाम पर होगा तिरमदी और अबूदाऊद में हैं रसूल करीम सल्ला फ़रमाते हैं लम यब का मिल दुनिया अगर दुनिया के ख़त्म हो जाने में सिर्फ एक दिन बाकी भी रह जाएम दुनिया के ख़त्म होने में अगर एक दिन भी बाकी रहा तो अल्लाह उस एक दिन को इतना तवील करेगा कि उस दिन में फिर मेरे अहल बैत में से एक शख्स को भेजा जाएगा यानी महदी के लिए शर्त है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत में से होगा उसका नाम मेरे नाम पर और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा अब इस हदीस में सराहत है कि महदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो अब्दुल्ला के बेटे अपना नाम उनका मोहम्मद होगा ये हदीस राफीयत का खुला रद है उनके महदी का जिनके बारे में उनका दावा है कि मोहम्मद बिन हसन अस्करी उनके इमामों के नामों में आखिरी नंबर पे बारहवें नंबर पे आने वाला बारवा इमाम ही इमाम महदी है उनके अकीदे का रद तिरमदी औरबोदाऊद की रिवायत कर रही अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम पर और उसके बाप का नाम मेरे वालद के नाम पर होगा महदी के शहूर का सबब क्या होगा आखिरी जमाने में जब फसाद बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तम का अंधेरा चल जाएगा अदल दुनिया से मफकूद हो जाएगा इन हालात में अल्लाह एक नए एक शख्स को जाहिर करेगा जिसके हाथों उम्मत के अहवाल की असलाह होगी वो इस सितम को ख़त्म करके दुनिया के अंदर अमन का गहवारा इस दुनिया को बनाएगा मुसलमान उसको महदी के नाम से पहचानते होंगे बहुत से मार्कों के अंदर वो अहले ईमान की कियादत करेंगे वो सिर्फ मजहबी पेशवा नहीं होंगे बल्कि वक़्त के इमाम और हाकिम भी होंगे महदी की सिफात क्या है अबू दाऊद में है रसूल करीम सल वसम ने फरमाया महदी मुझसे होगा मेरी नस्ल से होगा फिर आप अल ही सलात ने फरमाया इसकी जिसमानी विकसिन वह चौड़ी पे शानी और लंबी नाक वाला जिस कुछ मुल्कों के लोग आपने देखे हैं चिपटी नाक वाले होते हैं वो ऐसे नहीं होंगे चौड़ा पे चौड़ी पेशानी और लंबी नाक वाले ज़मीन को अदल इंसाफ़ से इसी तरह भर देंगे जिस तरह ज़मीन जुलम और सितम से भरी हुई होगी और उनकी हकूमत सात बरस तक रहेगी महदी का ज़हूर कहाँ से होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसनी इनका ज़हूर मशरिक की तरफ से होगा वो अपने जहूर के वक़्त अकेले नहीं होंगे बल्कि अल्लाह तआला अहले मशरिक के बहुत से लोगों को उनकी मदद के लिए तैयार करेगा जो दीन इस्लाम के हामिलीन होंगे और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए जिहाद का आज़म लेकर इमाम महदी का साथ देंगे सैयद नाब सईद रजी अल्लाहरदा फ़रमाते हैं कि रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने फरमायाखरुजूफी आखिरी उम्मीती अलमहदी यसकीस मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में महदी का जहूर होगा अल्लाह इसके दौर में खूब बारिशें बरसाएगा वह जमीन अपनी पैदावार बहुत ज्यादा करेगी माल वो लोगों को बराबरी की बुनियाद पे माल बांटेगा माल तकसीम करेगा वह तक सुरैशी मवेशी माल मवेशी की कसरत हो जाएगी और उम्मत एक अजीम उम्मत इस्लाम बन जाएगी। जाएगीबिन राही महिला फरमाते हैं जहूर महदी का मामला मशहूर और मारूफ है इससे मुतालिक रिवायात तबातुर के दर्जे तक पहुँचती है जो एक दूसरे की तइद और तकवीत का बायस बनती हैं बहुत से अहल इलम ने इनके तबातुर का ज़िक्र किया है और ये मानवी तौर पर है इसलिए कि इसकी सनत के तुर्क बहुत ज़्यादा हैं ये मुख्तलिफ मुख्तलि से हैं मुख्तलिफ़ रवाज़ से और बहुत से सहाबा से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मरवी है वाकई ये रिवायत ये रिवायात इस बात पर दलालत करती हैं कि महदी का जहूर शरी दलाइल से साबित है इनका आना हक है इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा आखिरी ज़माने में इनके तशरीफ़ आवरी से उम्म को रहमत मिलेगी वो जब आएंगे तो इंसाफ को कायम करेंगे जुल्म सितम का सदे करेंगे उनके जरिए इस उम्मत को अदल हिदायत तोफीक और लोगों की रहनुमाई से नवाजा जाएगा इमाम महदी के बारे में जो रिवायात अहादीस जो आई हैं वो दो तरह की हैं वो अहदीस जिनमें महदी का जिक्र तफसी के साथ है और वो जिनमें सिर्फ उनकी सिफात का जिक्र है आज के दौर में बहुत से फितने नमदार हो चुके हैं और इन फितनों की का ज़ाहिर होना भी क्यामत की निशानियों में से ही है और उन फितनों में एक बहुत बड़ा फितना इनकार हदीस का फितना है वो जालिम जो कहते हैं जी बस हमें कुरान काफ़ी है हदीस की हमें कोई ज़रूरत नहीं हमें कुरान से ही हिदायत लेनी है हालांकि क़ुरान उसको खोल खोल कर बयान करने वाली मोहम्मद करीम वसल्लम की यह हदीस है अगर हदीस का कुली तौर पर इनकार कर दिया जाए तो इंसान कुरान को समझ ही नहीं सकता अगर हदीस का इनकार किया जाए तो कुरान समझ नहीं आ सकता कुरान लुगत की किताबों को पढ़कर लैंग्वेज की किताबों को पढ़ के नहीं समझा जा, जा सकता Quran समझने का एक ही असूल है कुरान हकीम नाजिल हुआ है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का क्या मफहम बयान किया है तो कुरान है हदीस इसकी चाबी है हदीस वजाहत करती है वगैरह कुरान में आ गया हुक्म हज करो अब हज का पूरा तरीकाकार कहा से मिलेगा मोहम्मद रसूल से नमाज पढ़ो नमाज का पूरा तरीका कार कहां से मिलेगा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से ज़कात अदा करो ऊंट में ज़कात कितनी है सोने पे कितनी है चांदी पे कितनी है माल सारी डिटेल हमें कहां से मिलेगी मोहम्मद करीम वसल्लम से और याद रखिए हदीस का इनकार करने वाले ये जालिम हदीस का इनकार करते ही इसलिए हैं कि हम अपनी मनमानी कुरान पाक की आयत के जरिए की करें क्योंकि हदीस हर कुरान की आयत की वजाहत करती है यह कैसे नाजिल हुई कब नाजिल हुई इसका मफहूम किया है मुस्तफ़ा अलैहि व सलाम ने इस पर अमल कैसे किया जो अहदीस का इनकार करते हैं वो हकीकत में कुरान को अपने लिए ढाल बनाकर मन मानी का मजहब इस दुनिया के अंदर फैलाना चाहते हैं ने हदीस में एक नया नाम जावेद अहमद गांधी है जो अहदीस का इनकार करता है अहदीस पर जुबान दराज करता है वो और उसके सब का सब का यही वतीरा रहा है हदीस का इनकार करने वाले मोहम्मद का इनकार कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जावेद अहमद गांधी से भी किसी ने सवाल किया शियों के इमाम गायब और अहले सुन्नत के इमाम महदी के हवाले से तो वो कहने लगा कि कुराने के इसकी कोई वजाहत नहीं है और सही अजरत ईसा की दुनिया में दोबारा आमद पर नसारा और मुसलमान सब मुतफिक हैं दूसरी जानब एक मेहदी आखिर की आमद और अहले तश और अहले सुन्नत सब यकीन रखते हैं कहा जाता है कि दोनों की आमद और जहूर का जमाना एक ही होगा बल्कि मेहदी की पहचान भी जनाब ईसा इस्लाम फरमाएंगे दरखास्त है कि इसकी असल तफस और हकीकत पर रोशनी डाले पहले तशैयो तो मेहदी की पैदाइश हो चुकने पर यकीन रखते हैं और इमाम गायब सदियों से मानते हैं कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है किसी सही हदीस में भी ऐसी कोई बात नहीं है इमाम मेहदी के बारे में जो कुछ भी है वो लोगों की जुबानों पर है कुरान मजीद को आप जाइए घर में पढ़ लीजिए खाली है बिल्कुल इससे यही मामला हदीसों का है हदीसों की किताबों में भी किसी सही रवायत में कोई जिक्र नहीं है किसी इमाम मेहदी के आने का मत की निशानियां बयान हुई हैं आसार बयान हुए और बहुत सी बातें बयान हुई हैं और अभी हदीस जबरी आपने देखी है उसमें भी बयान हुई है लेकिन कहीं जिक्र नहीं है इसका हालांकि झूठ बोला इसने रसूल सलम की सही अदीज में इमाम महदी का जिक्र है बुखारी और मुस्लिम की रिवायात में उसकी सिफात का जिक्र है लेकिन ये हदीस का इनकार करने वाले सहाबा के राम के मनहज को छोड़कर सलफ सालीन के मनहज को छोड़कर अपनी मर्जी का दीन अपने आकाओं को राजी करते हुए यहूद नसारा को राजी करते हुए वो दीन उम्मत के सामने पेश करना चाहते हैं जो जिस दीन हैं। वसल्लम से रिश्ता नहीं कुरान पाक के अंदर इमाम महदी की तरफ इशारा है और अहदीस के अंदर सराहत और वजाहत है कुरान हकीम की आयत है लहम दुनिया आखिरतम इनके लिए दुनिया में ज़िल्त रसवाई और, और आखिरत में बड़ा आज़ाब है इस आयत की तफसीर बयान करते हुए इमाम जरी इमाम सुद्दी का कौल बयान करते हैं कि उनकी दुनिया में और रसवाई उस वक़्त होगी यह नसारा की दुनिया में जिल्लत और रसवाई जो इस आयत के अंदर मौजूद है खिजय ये ज़िल्ल और ये रसवाई उनके लिए उस वक़्त होगी जब इमाम महदी का जहूर होगा वो कुछ को फतेह करेंगे और इन्हें तहसो नहस कर देंगे ये इनकी जिल्लत और रुसवाई का मामला है रहा अजाब अज़ीम तो वो क्यामत के दिन अल्लाह इनको जहन्नम की आग में जला कर देगा और ना ही वो इनकी मौत आकर खत्म होगा जहन्नम के अंदर ना तो मौत आएगी कि उनके अज़ाब खत्म हो जाए वो अजाब अजीम है जो इन कुफार को जहन्नम में मिलने वाला है और दुनिया के अंदर इनकी जिल्लत जब अब इमाम महदी का जहूर होगा वो इनको तहस नहस करेंगे कुश्त को फतह करेंगे को कत्ल करेंगे सलीब को तोड़ देंगे कुरान हकीम की इस आयत से मुफस्सरीन ये बयान करते हैं कि इससे मुराद ये है इमाम कर्तुबी राहुल अपनी तफसीर में इमाम कतादा जो ताबे हैं उनका कौल नकल करते हैं कि दुनिया में इनकी जिल्लत और रसवाई इमाम महदी के जहूर के वक़्त होगी जबकि वो इनके शहरों को फतेह कर लेंगे इमाम कसर राह महुल्ला इकराम इमाम सुद्दी और वाइल बिन बिंदाउद से रिवायत करते हैं नकल करते हैं कि उन्होंने दुनिया में जिल्लत और रसवाई की तफसीर खरूज और इमाम मेहदी बयान की है इमाम शौखानी राह तफसीर में बयान करते हैं दुनिया में इनकी जिल्लत और रसवाई तो उस वक्त होगी जब इमाम महदी का जहूर होगा वो उस तुम दुनिया को फतह कर लेंगे और इन्हें हलाक कर देंगे ये दुनिया के अंदर इनकी जिल्लत और रसवाई है कुरान हकीम की इस आयत से सलफ साल ने ये मौका अपनाया है जो दीन इस्लाम को समझना चाहता है सहाबा कराम के मनहज पर उसके लिए लाजिम है कि वो कुरान को वैसे समझे जैसे मुस्तफ़ा अलैहि सलाम के सहाबा ने समझा और अपने ताबईन को समझाया अबु दाऊद में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल महदी यु मिन इतराती मिन वल्द फातिमा महदी मेरी औलाद से होगा फातिमा तो जहरा की नस्ल से होगा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा अलामा नासिरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह इस हदीस की सनद को जय्यत करार देते हुए लिखते हैं कि इस हदीस का इनकार तो इमाम महदी का इंकार करने वाले बाद इल्म जिनमें खुल्दून भी हैं वो भी इस हदीस को जईीफ करार नहीं दे सके इमाम महदी के हवाले से बाद रिवायाती है और कुछ रिवायात सही है अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मसले में कोई एक हदीस सही सनद के साथ हम तक पहुंच जाए वो मसला दीन मोहम्मद है मानने वाले के लिए एक रसूल सलातु काफी है। जो ये, ये मौजूद भी, इस भी इस गे इस गे और इसे न कह सके रसूल करीम सरमान आपकी एक हदीज एक रिवायत सही सरस से उम्म तक पहुंच जाए किसी भी मसले में मानने के लिए वह एक हदीज काफी है और जिसने तबाह करनी है अपनी अकल की अपने नफसानी की, अपने की, की, उसके सामने का अंबार भी लगा दिया जाए तो वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता हजरत कहिमल्ला फरमाते हैं मैंने हजरत सईद बिन सैब रा से पूछा क्या वाकई महदी होंगे उन्होंने जवाब दिया ये हकीकत है

जुल्म और सितम से भर ना जाए जब तक ये धरती जुल्म और से ना भर जाए क्यामत कायम ना होगी फिर मेरी आल मेरे अहल बैत में से एक आदमी जाहिर होगा जो दुनिया को उसी तरह अदलो इंसाफ से भर देगा जिस तरह यह और सितम से भरी होगी मुस्लिम अहमद में है अल्लाह के नबी अलैहि ही सलात सलाम ने फरमाया उस वक़्त तक क्यामत कायम ना होगी जब तक मेरे अहल बैत में से मेरे ही नाम का एक शख्स हाकिम न बन जाए मेरे ही नाम का एक शख्स दुनिया में हाकिम न बने उस वक्त क्या कायम ना होगी इस हदीस के तीन तुर्क हैं और तीनों की आसानी सही है इस हदीस को अलामा अहमद शाकिर ने भी सही करार दिया हजरत मुजाहिद एक सहाबी से बयान करते हैं उन्होंने फरमाया महदी का जहूर तब होगा जब बेकसूर जान को कत्ल किया जाए जब जुल्म गुल्म आम हो जाएगा फिर इमाम महदी का जहूर होगा इबन माजा और मुस्त अहमद में है रसूल करीम अल महदी हमारे अहले बैत में से है अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह फरमा देगा एक ही रात में इसलाह फरमा देगा इससे मुराद अल्लाह उसे खिलाफत के लिए तैयार कर देगा एक ही रात में खिलाफत के लिए तैयार कर देगा यानी उसे इस लायक बना देगा तौफीक अता फरमा देगा क्यादत हिकमत की ऐसी सिफात अता फरमाएगा जो पहले उसके पास ना होगी और इसके एक मायने ये भी है कि अल्लाह तसी लम्हे में उनके तमाम मामला को सुधार देगा उनकी शान बढ़ा देगा अहले इल्म अकल दानिश वाले लोग वो एक ही रात में उसकी खिलाफत पर मुतफिक हो जाएंगे सैद नबू हर तआला अल्लाहन फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अहले बैत में से एक आदमी मुकरमा में ज़ाहिर होगा जिसकी ख़बर सुफियानी नामी एक शख्स को दमिश्क में होगी वो अपनी एक फ़ौज रवाना करेगा लश्कर भेजेगा जिससे वो शिकस्त देगा फिर सूफियानी ख़ुद अपनी फ़ौज लेकर चलेगा और जब वो चटियल मैदान में पहुँचेगा तो उसकी पूरी की पूरी फौज सारा का सारा लश्कर जमीन में धसा दी जाएगी और इनमें से एक शख्स के सिवा कोई बाकी नहीं बचेगा पूरा लश्कर हलाक हो जाएगा जमीन में धसा दिया जाएगा सिवाय एक आदमी के एक आदमी बचेगा यह हदीस इमाम बुखारी मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही है सही मुस्लिम और दाऊद में हैं। हैं। ने एक शख्स की पनागा इस पर हमला करने के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा और जब वो लश्कर के मैदान में पहुंचेगा तो जमीन में धसा दिया जाएगा ये हदीज सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है वो लश्कर आएगा उस बैतुल्ला में पनाह लेने वाले शख्स को मारने के लिए और जमीन फाड़ कर उसको जमीन के अंदर गर्क कर दिया जाएगा अलाम अशम सुलहक अलीम आबादी मुबारकपुरी तो फैतुली में लिखते हैं इस हदीस में मजकूर शख्स जो बैतुल्लाह में पनाह लेने वाला होगा उससे मुराद इमाम महदी है अलाम अबर फरमाते हैं बैतुल्लाह में पना लेने वाला इमाम महदी होगा उसको मारने के लिए लश्कर आएगा और अल्लाह उस पूरे लश्कर को जमीन में धसा देगा अहमद में और सही मुस्लिम में है रसूल ने फरमायाबन मरियम फयक ईसा सलात का नजूल होगा मुसलमान नमाज के वक़्त पर मुसलमानों का अमीर ईसा आलही सलात से कहेगा आइए और नमाज पढ़ाइए फयाकुल्लामीर इस आल वसलाम फरमाएंगे नहीं ये इमाम ही जमात करवाए और मैं इसके पीछे नमाज पढ़ूंगा तुम्हारा बा तुम्हारे बाद के ऊपर अमीर है उम्मा अल्लाह ने इस उम्मत को ये इज्जत ये मकाम और ये शरफ दिया है ईस आल सलातु वसलाम इस दुनिया पर आएंगे मुसलमानों के अमीर के पीछे नमाज पढ़ेंगे वशरियत मोहमदिया उसी को दुनिया के अंदर फैलाने के लिए तशरीफ तो लाएंगे इसी शरीयत का आम करेंगे, और मुसलमानों का अमीर उस वक्त जमात कराएगा इस हदीस के माना यह है कि इमाम महदी के जमाने में जाहिर होगा, फिर जब सैदना ईसा अलात इसे कत्ल करने के लिए नाजिल होंगे तो इमाम महदी ही मुसलमानों के कायद होंगे और ईसा अलातलाम और बाकी तमाम मुसलमान इमाम महदी की अमामत में

इसके दरमियान एक शख्स की बैत की जाएगी वाल इस खाना काबा, इस घर की हरमत इसके रहने वाले ही पामाल करेंगे और जब वो इसकी हरमत को पामाल कर देंगे तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में मत पूछो फिर हबशी आएंगे जो काबा को तबाह बर्बाद कर देंगे और इस तबाही के बाद अल्लाह का यह घर कभी भी आबाद नहीं होगा इस तबाही के बाद यह घर फिर दोबारा ना होगा यही वो लोग होंगे जो बैतुल्लाह का खजाना निकाल कर ले जाएंगे हजर एक शख्स की बैत की जाएगी और वो शख्स इमाम होंगे जिनकी बैत बैतुल्ला के अंदर की जाएगी बुखारी मुस्लिम में है रसूल करीम सरमाया मरियम व इमाम तुम तो उस वक्त किस हाल में होंगे जब तुम्हारे अंदर ईसा आलही सलातु सलाम का नजूल होगा और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा ईसा आलही सलाम का नजूल होगा तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा और यहाँ इमाम से मुराद इमाम महदी हैं उनके पीछे आकर ईसा आ इसा सलात सलाम भी नमाज अदा करेंगे जब हम तारीख पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें बहुत से लोग इमाम महदी होने के दावेदार नजर आते हैं कहीं पे कोई महदी होने का दावेदार खड़ा हो जाता है कहीं पे कोई दावेदार खड़ा हो जाता है अभी चंद दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा किसी अरब मुल्क का बाशिंदा आया और हजर असमत के करीब खड़े होकर उसने शोर बजाना शुरू कर दिया मैं इमाम महदी हूँ मैं इमाम महदी हूँ उसकी बैत करने वाला तो कोई नहीं आया पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में जरूर डाल दिया इमाम महदी खुद अपने लिए बैत का सवाल नहीं करेंगे लोगों से डिमांड नहीं करेंगे बल्कि जबरदस्ती लोग उनकी बैत लेंगे वो खुद लोगों से नहीं कहेंगे आपके वोटों का बेहतरीन हकदार वो वोट मांगेंगे नहीं वो बैत का सवाल नहीं करेंगे वो अपने महदी होने का ऐलान जैसे बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ जमानों में तारीख के मुख्तलिफ्वार में महदी होने का दावा किया आइए महदी होने के दावेदारों पर भी एक नजर दौड़ाएं वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने महदी होने का दावा किया और वो सब के सब झूठे थे उनमें सबसे पहले राफियों का ये अकीदा है अबू उस्मान, आयशा हफ्सा असहाब रसूल अहले बेहत रसूल के दुश्मन राफियों का यह अकीदा है कि वो भी इमाम महदी का इंतबार कर रहे हैं बारहवें इमाम का इंतजार उनके यहाँ भी हो रहा है चिट्ठियाँ लिख लिख के पर्चियां लिख लिख के आटे की गोलियाँ बना के हर शहर के दरिया पर जाकर वो कुओं में और दरियाओं में चिट्ठियाँ लिख कर डालते हैं इमाम साहब नु ही खुदा आधा बार आ जा बड़ी कुट खा ली ओ इमाम बाहर नहीं आंदा या वो बाहर आता नहीं है या कोई उसे आने नहीं देता इमाम साहब को गार में छुपाया हुआ है और हर वक्त आवाज लगाता या खाए माल मोहम्मद जल्दी बाहर आ जा बाहर आ जा रोल गए अब गार पे जो मुजावर बैठे हैं कहते तुम्हारा तो दिमाग खराब है हम इसको बाहर आने देंगे ये बाहर आ गया हमारा धंधा खत्म हो जाएगा अब उसी के नाम पे तो सारा खा रहे हैं सारा चंदा मिल ही उसी के नाम पे रहा है और अगर कोई वहां पे छुपा हुआ है निकलने की कोशिश करे तो अहले सुन्नत से पहले उसके अपने जो मुजाविर है दोबारा अंदर बांट देंगे तू ना बारह ही तो रोई साड़ी। हमारी रोजी रोटी लगी हुई है क्यों खराब करते हो ये धोखा है ये झूठ है ये फराड है ये किस्से है ये कहानी है ये जाकिरों की मन घड़त बातें हैं तो वो इंतजार में है इमाम महदी के और वो उनका बारवा इमाम है उसका नाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी है और हदीस अल्लाह के नबी की आपने सुनी अब दाऊद की कि उसका नाम होगा मोहम्मद बिन बिन मोहम्मद हसन आपने फरमाया उसका नाम मेरे नाम 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 मेरे मेरे पे पे उसके बाप का नाम मेरे बाप का के नाम पे। इसका नाम है मोहम्मद बिन हसन अस्करी और राफ कहते हैं कि वो हसन बिन अली की औलाद से नहीं बल्कि हुसैन बिन अली की औलाद से हैं हसन बिन अली की औलाद से होने में हमत क्या है कि जिस तरह हजरत हसन सैदना हसन मेरे नबी के फूल मेरे नबी के शहजादे मेरे नबी की खुशबू उम्मत के सरदार जिसके बारे में रसूल करीम वसल्लम ने फरमाया था हसन मेरा ये बेटा सरदार है और हो सकता है अल्लाह मुसलमानों की दो जमातों को इसके हाथ पे इकट्ठा कर देगा मुसलमान जब इंतशार का शिकार थे हजरत अली रजी की शहादत के बाद सैदना हसन मुस्लिमीन बने और फिर खिलाफत अमीर माविया को देकर उनके हक में बग़ैर दुनिया के किसी लालच पे एक अल्लाह की रवा के लिए और उम्मत को इकट्ठा करने के लिए और बहते हुए खून के सिस्टम को रोकने के लिए दुनिया की हुकूमतों को अमीर माविया के हवाले कर दिया खुद दस्तबरदार हो गए और उनके दौर में इतना भी खून नहीं बहा जितना एक मक्खी के मरने का खून बहता है मुसलमानों का खून उसी दिन रुक गया जिस दिन हसन बिन अली ने खिलाफ संभाली। उनकी औलाद में से होंगे और वो भी वैसे ही दुनिया के अंदर अदल इंसाफ को बर्पा करेंगे जैसे दुनिया सितम से भरी होगी इनका कैदा है कि ये इमाम दो सौ साठ हिजरी में सामरा के एक गार में दाखिल हुआ उस वक्त दाखिल होते वक्त मोहम्मद बिन हसन हस्करी की उम्र पाँच साल थी अब पाँच साल का बच्चा और उसको गार के अंदर दाखिल कर दिया अब जो इनसे पूछो कि फ़लाँ चीज़ कहाँ है जवाब मिलता है कि इमाम गायब लेके चला गया इनका बड़ा रोना पीटना है कि मुसहफ फातमी था ये जो तुम्हारा मुसफफ़ है क़ुरान है ये सही नहीं है इसमें इजाफे हुए कमिये हुई नक्स हुआ ज्यादती हुई हम कहते चलो अगर वाकई इस कुरान में कोई नक्स है कोई कमी कोई बेशी हुई तो जो असल कुरान है वो दे दो का वो जो मुस्फ़ फातमी था वो हमारा इमाम साहब लेकर गायब हो गया अगर तुम्हारी बात को सच्चा मान लिया जाए तो कितना बड़ा जुल्म है कि कितने साल गुजर गए मुसलमान असली कुरान पढ़ने से महरूम है वो कल्ला लेके बैठे उठे और पाँच साल का बच्चा वो कुरान उठा कर गया कैसे कहते हैं पांच साल की उम्र में हमारा इमाम महदी सामरा की गार के अंदर चला गया और उस वक़्त से अब तक गार में जिंदा है उसे मौत नहीं आई आखिरी जमाने में इसी गार से बाहर आएगा हम कहते हैं तुम्हारा ये असूल इंसानियत के हवाले से अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है यह कैसे हो सकता है दो सौ साठ हिजरी में वो इमाम साहब गार में दाखिल हुए और आज चौदह सौ बत्तीस चल रहा है और अभी तक उन्हें मौत नहीं आई अल्लाह के अंबिया को जो उस बार में इमाम से अफजल है खुद रूर करीम अलैहि वसल्लम को सैद न अली को सैदना हसन को सैदना हुसैन को मौत आई वो मौत के शिकार हुए वो शहीद हुए अल्लाह की जन्नतों में गए जब हम मुस्तफा अलैहि अलातू सलाम के लिए लफ्ज मौत का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए अल्लाह के नबी की अदना से अदना तोहीन करना भी कुफर है मुस्तफा अलैहि अलातू सलाम की अदना से गुस्ताखी

मुस्तफ़ा अलैहि सलातु सलाम मेरे आका की इज्जत पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए मेरे बच्चे कुर्बान हो जाए हमारी गर्दनें कट जाए मुस्तफ़ा अलैहि सलातु सलाम की इज्जत को बयान करते हुए उनकी हिफाजत करते हुए उनके दीन की हिफाजत करते हुए सहाबा ने मेरे आका के लिए लफ्ज मौत इस्तेमाल किया सैदा आयशरज्ला तक ने कहा माथन नबी इससे कोई ये ालिम उम्मत को धोखा न दे कि हम लफ्ज मौत इस्तेमाल करके मुस्तफ़ा की गुस्ताखी कर रहे हैं हम गुस्साखे रसूल को जानते हैं लेकिन यह लफ्ज तो आका के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया यह नबी की गुस्ताखी नहीं है हाँ अगर तुम किसी और के बारे में येदा रखो कि उसको मौत नहीं आती उसके लिए बका है तो ये रब की गुस्ताखी है क्योंकि मौत अगर किसी पे नहीं आ सकती तो एक अर्श वाला अल्लाह है बाकी सारी कायनात उसके लिए फना है इस दुनिया को ख़त्म होना है इस दुनिया से उठ जाना है तुम्हारा ये अकैदा कानून फितरत के खिलाफ है जब अल्लाह के अंबिया पर मौत आई सुलह पर मौत आई सहबा के राम पर अहले बैत पर मौत आई सैदना अली सैद फ़ातिमा सैदना हसन सैदना हुसैन जब उन पर मौत आई रिदवान मजमाइन तो फिर ये कैसे मौत से बच सकता है आइए राहवियों की किताबों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो अपने इमाम महदी के बारे में क्या अकीदे लेकर बैठे हैं मुल्ला बाकर मजलसी अपनी किताब हकुल यकीन में बारवें इमाम इमाम महदी के जाहिर होने के बाद वो क्या कुछ करेगा वो आमाल नकल करते हैं बयान करते हैं और फिर सोचिए जिन आमाल की तरफ राफदियों का इमाम इशारा कर रहा है कि हमारा महदी आकर ये करेगा ऐसा आमाल और अकीदा करने वाला इंसान महदी तो दूर की बात है मुसलमान भी हो सकता है या नहीं मोमिन भी हो सकता है या नहीं वो कहते हैं इमाम साहब जब जाहिर होंगे तो बरहना नंगे जाहिर होंगे इन्ना, इन्ना इमाम साहब की इज़्ज़त कर रहे हो या इमाम की बेजती कर रहे हो आपको कहना चाहिए था कि इमाम साहब आएंगे जन्नत की पोशाक पहनी हुई होगी इमाम साहब आएंगे लिबास से फाखिर होगा या फाखिर नहीं सादगी से भी आएंगे तो दो चादरें ली हुई होंगी एक चादर ली हुई होगी कोई शे भी नहीं इमाम आएगा और बरहना सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि ये अकीदा क्यों बयान करते हैं वो इसलिए कि इमाम के नाम पे तो सारी उम्र खाते में गुजार दी इन्होंने पैसा दो इमाम को ये पहुंचाना है पैसा दो इमाम को ये पहुंचाना है चंदा दो इमाम को ये देना है तो कहेंगे तुमने चंदा ही कम दिया था हम सप्लाई पूरी नहीं दे सके जब वो बाहर निकलेंगे बेचारे तो बगैर लिबास के होंगे हम राह तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा इमाम नंगा बाहर आए और तुम उसकी बैत करने के लिए आ गया ये इमाम महदी नहीं हो सकता तुमने झूठ लिखा है इमाम महदी के बारे में वो किसकी नस्ल से है सैयदा फातिमा की नस्ल से जिसकी शर्म जिसकी हया जिसकी गैरत जिसने कहा था अली जनाजा रात को उठाना फातिमा बात क्या है जनाजा रात को क्यों उठे कहा फातिमा नहीं चाहती उसके कफन की चादर पे भी गैर महरम की नजर पड़ जाए किसकी नस्ल से किसकी औलाद से जिसने शराफत का दूध पिया मोहम्मद करीम की औलाद और लोगों के सामने बरहना होकर आए इला व ये तुम्हारा कुछ होगा अहल इमाम अहल ईमान जिसकी निशानियाँ मुस्तफ़ा सलाम की अहदीस बयान कर रही वो इसके बिल्कुल बरक्स है हकुल यकीन जो ईरान से तबाह हुई उसके सफा पांच सौ सताइस पे लिखा है इमाम महदी जहूर के बाद करेगा क्या अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था जुल्म बढ़ चुका होगा और महदी जहूर के बाद उस जुल्म को को खत्म करके इंसाफ कायम करेगा जमीन को वैसे इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म से भरी होगी लेकिन ये क्या कहते हैं मुल्ला बाकर मजलसी हकुल यकीन सफा पांच सौ सताईस पर के महदी जहूर के बाद कुफार से पहले अहले सुन्नत के उलेमा को कत्ल करेगा इनना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिउ ला हवला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो ये महदी साहब जुल्म खत्म करने के लिए आएंगे या जुर्म करने के लिए आएंगे एक महदी की तस्वीर मुस्तफा अलैहि सल्लतु व सलाम की अहदीस हमारे सामने रख रही है वो जालिम नहीं मुजाबिर नहीं बल्कि वो अदल इंसाफ वाले होंगे पुदीन इस्लाम पर चलने वाले होंगे और एक तस्वीर तुम पेश कर रहे हो कि वो यहूदियों से पहले ईसाइयों से पहले हिंदुओं से पहले कुफार से पहले सबसे पहले वो अहले सुन्नत को कत्ल करेगा और जो मुस्तफ़ा की सुन्नत को मानने वालों को कत्ल करेगा उसका अपना ईमान कहाँ बाकी रहेगा बिहार मुल्ला बाकर मजलसी की किताब उस है उसमें वो लिखते हैं इमाम कायम आले मोहम्मद नई शरीयत और नए अहकाम लेकर आएंगे इमाम कायम माल मोहम्मद नई शरीयत लाएंगे नए अहकाम लाएंगे ये तुम्हारा दावा है और मुस्तफ़ा अलातु वाम का फरमान है लानबी नबी पैगी मेरे बात कोई नबी नहीं मैं आखिरी नबी तुम आखिरी उम्मत अल्लाह का ऐलान मालिक का फरमान अल्लाह ने हमारे लिए इस दीन इस्लाम को पसंद किया जो क्यामत की दीवारों तक के लिए ये शरीयत है ये दीन इस्लाम क़यामत तक के लिए है अब ना कोई नया दीन आएगा और ना ही कोई नई शरीयत नए अहकाम आएंगे और अगर इस्लाम के अलावा कोई और दीन कोई चाहेगा तो अल्लाह इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल ही नहीं करता आइए अल्लाह की किताब से सुनते हैं वमई जब तक इस्लामी दीना फलैबाला जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन को तलाश करे उसका दीन कबूल ही नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो नुकसान पाने वालों में होगा अहदीस रसूल ने तो हमें यह बताया कि इमाम महदी जुल्म का खात्मा करेंगे मुसलमानों की क्यादत करेंगे ईशा आल ही सलात के नजूल होगा द से मारका बरपा होगा मुसलमानों के इमाम होंगे और तुम्हारी किताबें जो कुछ हमें बता रही हैं कि वो इस्लाम का नाम ही नहीं लेंगे बल्कि शरीयत भी नहीं लेकर आएंगे और अहकाम भी नहीं लेकर आएंगे राफियों के इमाम गायब का इमाम महदी का एक और काम सुनिए बुल्ला बाकर मजलसी हकबुल यकीन सवा चार सौ चौसठ पे लिखता है इमाम महदी अबू बकर उमर को कबर से निकाल कर सजा देगा इलाज लूब अच्छा इल्ला बिल्लाह करोड़ इमाम महदी हो करोड़ का मोहम्मद हो करोड़ बारवे इमाम हो एक करोड़ तुम्हारा बारवा इमाम अबू बकर की जूती से उड़ने वाले खाक के एक जर्रे के बराबर नहीं हो सकता जिसके बारे में आका अलैहि सलाम ने फरमाया अबू बकर बेहतर इंसान पर सूरज तलु ही नहीं हुआ और तुम उस उसम की तस्वीर कशी करते हो कि वो आएगा और वो आकर बिल्ला अबू बकर सजा देगा उन पे कोड़े बरसाएगा इन्ना ही राजिऊन तुम्हारी ऐसी अकल पे तुम्हारे ऐसे दीन पे सिवाय अफसोस की और कुछ नहीं हो सकता इमाम साहब कहते हैं चलते हुए आएंगे अल्लाह के वसल्लम की कबर के पास लोगों से सवाल करेंगे क्या ये कबर मेरे दादा की है जदजद की है लोग कहेंगे हाँ सवाल करेगा ये उसके साथ और दफन होने वाले कौन हैं जवाब मिलेगा अबू बकर उमर है कहेगा इनकी कबरों को फाड़ो नाउज़ बिल्ला सुनाउ बिल्ला इनकी लाशों को बाहर निकालो लाशें बाहर निकाली जाएंगी वो वैसे ही तरोताजा ताजा होगी जैसे अभी दफन हुई है उनको एक दरख्त के ऊपर खुश्क दरख्तों के ऊपर लटका दिया जाएगा वो दरख्त दोबारा हरे भरे हो जाएंगे और फिर ये जालिम उनको दुर्रे मारने का और उनकी लाशों को जलाने का उन दरख्तों को आग लगाने का हुक्म देगा वे जैसे तुम मुस्तफा के सहाबा के दुश्मन हो तुम्हारा ये बार भी तुम्हारी तरह मुस्तफा के का दुश्मन है ऐसे इमाम से हमारा का ऐलान है ये तुमने फर्जी किस्से घर रखे हैं, फर्जी कहानियां घर रखी हैं। वगरना सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत की दास्तानें हैं सहाबा और अहले बैत में रिश्तेदार ये है सहाबा और अहले बैत में निकाह और ताल्लुकात हैं वो एक दूसरे से बेटिए लेते रहे बेटिए देते रहे सैदना उमर आए थे सैदना अली के पास कहा था मेरे आका का फरमान है क्यामत के दिन हर नस्बो हसब टूट जाएगा खानदानी हसब व नसब खत्म हो जाएगा सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के नसब के अली मेरा जी चाहता है कि मेरा निकाही भी मुस्तफ़ी सलतम के ख़ानदान में हो जाए मैं भी इस हसब में शामिल हो जाऊँ और अली सैदना रवी अल्ला अपनी बेटी का निका मोहम्मद करीम सल वसल्लम के सहाबी उमर से करते हैं ये तुम्हारी कहानी है ये तुम्हारा झूठ है ये तुम्हारे मौलवियों की लिखी हुई हिकायतें हैं जिसका सच्चाई से दूर का भी रिश्ता नहीं है सहाबा और अहले बैठ तो आप इसमें रिश्तेदारी करने वाले ताल्लुक रखने वाले मोहब्बतें करने वाले मुल्ला बाकर मजलसी अपनी किताब हयातुल कुलूब सफा नौ एक पर लिखता है नकल कुफर कुफर नबाशिद कि जब हमारा कायम आल मोहम्मद बारवा इमाम इमाम होगा नजिल्लाउजुब् वो आयशा को जिंदा करेगा और फिर उस पर हद जारी करेगा तुम्हारे ऐसे गंदे अकीदे पर रब की करोड़ लानत बरसे मोहम्मद करीम अलैहि वसल्लम की इज्जत मेरे नबी अलैहि अलत वसलाम की सोजा महतरमा मोमिनों की मां जिसके बारे में सवाल करने वाले ने किया था आका कायनात में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो कहा आयशा से करता हूं कहा मर्दों में किससे करते हो कहा आयशा के बाबा से करता हूं तुम उसके बारे में अपनी गंदी सुबान को दराज करते हो ऐसे अमाल करने वाले शख्स को अल्लाह की कसम अहले ईमान का ये अदना सा बेटा मुसलमान तस्लीम नहीं करता वक्त का इमाम तो बड़ी दूर की बात है जिस तरह राफी खुद अल्लाह के दुश्मन है रसूल के दुश्मन है अहल बैत के दुश्मन है असवाज रसूल के दुश्मन है असहाब मुस्तफ़ा के दुश्मन है उन्होंने समझा कि वो जो आखिरी आने वाला है वो भी हमारे ही मजहब पे चलने वाला होगा नहीं इमाम महदी जिसकी तारीफ मुस्तफ़ा आ सलात सलाम की अदीस बयान करती है वो अदल इंसाफ करने वाले वो अहले ईमान की क़ियादत करने वाले वो कुफ़र और शिर्क को बिठा कर इस धरती पर जुलम को ख़त्म करके इस धरती की इस्लाह करने वाले होंगे हम तुम्हारे अकीदों से भी बरात करते हैं और तुम्हारे आने वाले की इन करतूतों से भी बारात करते हैं जिसने दुनिया में ना जाहिर होना है न होगा 260 हिजरी का छुपा हुआ आज तक नहीं निकला तो क्या तक नहीं निकलता वो कहते हैं जी आपको नहीं पता मार्फत गल है वो जुल, वो खौफ की वजह से छुपे थे उस वक्त उन्हें अपनी जान पर खौफ था मुखालिफों का कि कोई उसे कत्ल ना कर दे इसलिए घर में छुप गए हम कहते हैं अकलमंदो होश के नाखून लो अब तो ये खौफ खत्म हो गया अब तो तुम्हारे पास कई मुल्क हैं वो किसी में आकर पनाह ले ले कोई उसको बना देने के लिए तैयार नहीं अब तो यह बहाना भी खत्म हो गया कि वो खौफ की वजह से छुपे थे इन्ना लिल्लाही इन्ना फिर सवाल पैदा होता है अगर वो जिंदा है अपनी गार के अंदर तो सोचो वो इतने अरसे से गार में छुपे हुए क्यों है उम्मत बर्बाद हो रही है उम्मत हलाक हो रही है वो बाहर तशरीफ ला के उम्मत इस्लामिया की बागदौड़ क्यों नहीं संभालते उस वक़्त से छुपे हुए हैं वो किस वक़्त का इंतजार कर रहे मुसलमानों से मुल्क छीने जा रहे अरे अल्लाह की किताब को जलाया जा रहा इस मौके पर वो बाहर नहीं आए फिर याद कर लो वो क्यामत तक बाहर नहीं आएंगे ये तुम्हारी मन घड़त किस्से और कहानी हैं जो तुमने माल खाने के लिए इमाम साहब के नाम पर मशहूर कर रखी है इमाम बबन कसीर राही फरमाते हैं कि अदीस में महदी मोहम्मद बिन अब के बारे में जो रिवायात वारिद हुई हैं फरमाते हैं अहल सुन्नत का इमाम महदी बिलाज मशरक से जाहिर होगा ना के सामरा की गार से जैसे कि राफियों का अकीदा है और ये अकीदा महद हमाकत, शैतान की तरफ से शदीद गुमराही और धोखा दही है इस अकीदे की दलील ना अल्लाह के कुरान में है मुस्तफा आलाम के फरमान में है और ना ही अकल इसको तस्लीम करती है खौफ की वजह से छुप गए खौफ गए मामला खत्म हो गया अब क्यों नहीं बाहर आते वो तब आएंगे जब सितम बढ़ जाएगा उम्मत पे कितना सुलम टूट रहा है क्यों नहीं बाहर आते ये ड्रामेबाजी है ये धोखा दही है किस्से कहानी है ये माल खाने का तरीका है जो जाकिरों ने अपनी आवाम के लिए बना रखा है दूसरा शख्स जिसने महदी होने का दावा किया वो अब्दुल्ला बिन सबा ने दावा किया कि सैद ने महदी मुंतवर है और उसका ख्याल था कि वो दुनिया में वापस फिर आएंगे तीसरा जिसने महदी होने का दावा किया वो मुख्तार बिन उबेदी इसने कहा कि मोहम्मद बिन हनफिया जो अस्सी हिजरी में फौत हुए वो महदी मुंतजर थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली बिन अबी तोलिब जो सन एक सौ हिजरी में फौत हुए ये बहुत रोजेदार बड़ी नमाजें पढ़ने वाले अल्लाह के बड़े नेक इंसान इनके दौर में कुछ लोग फितने में मुबला हो गए और समझने लगे कि यही इमाम महदी हैं महदियत का दावा करने वालों में एक नाम बैदुल्ला बिन मैमून का भी है इसने तीन सौ पच्चीस हिजरी में वफात पाई इसका दादा यहूदी था थाबैदुल्ला फिर कर बानी था जिन्होंने मुसलमानों का कत्ल आम किया और सन तीन सौ सतारा हिजरी में बैतुल्ला से हजर असमत को चोरी करके भाग गया ये लोग कुफर में यहूद व नसारा से दो कदम आगे बढ़े हुए थे इन्होंने मिस्र और हिजाज और शाम में कंट्रोल हासिल किया वहाँ पे अपनी हकूमतें कायम की और गलत बयानी करते हुए झूठ का चोला पहनकर अपनी नस्बत सैयदा फातिमा की तरफ की और अपने आप को फातिमी मशहूर किया उन्होंने अपने में जब संभाल ली शाफी मसलक से ताल्लुक रखने वाले सारे कावियों को महजूल कर दिया सारे कावियों को हटा दिया कब्रों, मिजारों, दरबारों कबर प्रस्ती का चर्चा किया इसको आम किया अल्लाह की इबादत से लोगों की गर्दनों को हटाकर कब्रों की इबादत दरबारों की इबादत बुजुर्गों की पूजा पे लगा दिया इमाम कसीर राहुल्ला फरमाते हैं फातमियों का दौरेकूमत दो सौ अस्सी बरस से ज्यादा अरसे पर मुहित है उबैदुल्लाह ने महदी होने का दावा किया और महदिया नामी एक शहर की बुनियाद भी इसने रखी जिन लोगों ने महदी होने का दावा किया उनमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बरबरी भी है शख्स सन पाँच सौ चौदह हिजरी में जाहिर हुआ इसने दावा किया कि वह हजरत अली की नस्ल से है इसलिए अपना नसब हसन बिन अली के साथ जोड़ लिया ये हीलेबाज धोखेबाज फराडिया इंसान था बहुत धोखा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया करता था और इसने एक हीला क्या किया लोगों को यह तस्लीम करवाने के लिए कि मैं ही इमाम महदी हूं कब्रें खुदवाई कुछ लोगों को कब्रों के अंदर लिटा दिया और बाकी लोगों को लेकर उनकी कब्रों पे आया और कहने लगा कब्र वालों तुम मेरे बारे में क्या कहते हो वो जो अंदर पहले से अपने बंदे लिटाए हुए थे वो कहने लगे तू इमाम महदी है तू अली की औलाद में से है मासूम अनिल खता है मैंने कहा हां ठीक है तूसी तो मानते कोई नहीं मुर्दे ਮੰਨਣ ਦੇ ਨੇ अब तो मान लो मुझे मुर्दों ने मान लिया अब उसको पता था कि ये बंदे तो मैंने अपने डाले में वही कबरें उसकी उनके ऊपर धसा, धसा के सबको मार दिया ये हीलेबाज धोखा और फराडिया फराड करने वाला धोखा देने वाला इंसान महदी होने के दावेदारों में एक शख्स मोहम्मद अहमद बिन अब्दुल्ला सोडानी 1302 हिजरी में ये फौत हुआ इसने भी दावा किया कि मैं इमाम महदी हूँ ये सूफी था सोडान पर इसने गलबा भी और कंट्रोल भी हासिल किया इबादत में मशहूर हुआ इसने 38 बरस की उम्र में महदी होने का ऐलान किया इसका कैदा था कि जो शख्स मुझे महदी तस्लीम नहीं करता वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर का इरतक़ात करता है मगर यह भी दीगर झूठे दावेदारों की तरह एक झूठा दावेदार था इसका नाम था मोहम्मद बिन अहमद बिन अब्दुल्ला और हदीस में क्या आता है महदी का नाम क्या होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला महदियत के दावेदारों में एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यह शख्स रियाज के सऊदिया में रियाज के शहर में जाहिर हुआ इसने एक रोज खाब देखा कि वो महदी है कुछ लोगों ने इसकी बैत कर ली कुछ इसके मुरीद बन गए इसके साथ चल पड़े और सन चौदह हिजरी में जाकर कर बैतुल्लाह के अंदर इन्होंने अपने आप को मैसूर कर लिया और वहाँ पर ऐलान कर दिया कि मैं महदी हूँ ये वाकया फितनाए हरम के नाम से मशहूर हुआ और बिल आखिर इसके कत्ल के साथ ये फितना ख़त्म हो गया महदी होने का एक दावेदार सैयद मोहम्मद जौनपुरी जो हैदराबाद इंडिया के अंदर उसके मानने वाले उसकी बहुत बड़ा सिलसिला और जमात वहाँ पर है वो भी कहते हैं कि हमारा ये भी इमाम महदी है और हम इसके मानने वाले और इसकी जमात चलाने वाले महदी होने के दावेदारों के आइए मामले पर गौर करते हैं जब हम ये इनकार करते हैं कि यह झूठ बोलता है यह महदी नहीं है यह महदीयत के दावे में कजाब है इससे मुराद उन अहादीस का इनकार नहीं है जो महदी की सिफात और उनकी शान के बारे में आई है बल्कि यहां पर किसी शख्स का तयन करना के यही महदी है जिसका जिक्र अदीस में आया है अहदीस को हम मानते हैं तस्लीम करते हैं का इनकार नहीं करते, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को इस मकाम पर फाइज करना चाहा, जब उनके मामला को देखते हैं पढ़ते हैं तो वो सिफात के बरअक्स हैं जो सिफात अदीस में आई अहदीस सच्ची है यह दावा करने वाले झूठ बोलते हैं क्योंकि रसूल ने महदी के मामले को हवा के अंदर नहीं छोड़ दिया बल्कि आपने उसकी उम्मत को निशान ये बयान की है तफसी बताई है महदी लोगों को अपनी की तरफ दावत नहीं देगा ना ही अपनी बैत के लिए लोगों को पुकारेगा बल्कि लोग जबरदस्ती उसकी बैत करेंगे और वो उसको नापसंद करेगा यहां जितने दावेदार हमने बयान किए उन्होंने खुद दावा किया लेकिन वो दावा नहीं करेगा ना ही अपनी बैत की तरफ बुलाएगा महदी का नाम सूल करीम सलम के नाम और आपके वालद मोहतरम के नाम पर होगा उसका नसब सैदना हसन बिना तक पहुंचेगा हदीस में मजकूर जिसमानी सिफात में उसके अंदर मौजूद होना जरूरी है जैसे आपने फरमाया चोरी परेशानी वाला उठी हुई नाक वाला जिन हालात में इमाम महदी का जहूर होगा एक खलीफा के एक खलीफा की मौत पर इख्तलाफ वाक होगा जमीन जुल्म से भर जाएगी तीर खुलाफा के बेटे आप इसमें जंग कर रहे होंगे महदी एक नेक मुत शख्स होगा वह शरीयत हिकमत और दान से लबरेज होगा उसका जहूर सामरा की गार से नहीं होगा बल्कि वो मुकरमा में आएगा हजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उसकी बैत की जाएगी उसकी बैत हजर असवद और मकाम इब्राहिम इसके दरमियान उसकी बैत की जाएगी यह एक सवाल पैदा होता है कि वो क्या हालात और थे लेने के लिए लोगों पर गलबा हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लिया बहुत सहारा लिया और वो अपने आप को महदी बना बैठे ताकि लोगों पर हकूमत कर सके और मुल्कों को फतेह कर सके महदियत के बाद दावेदार ऐसे हैं जिनका मामला मुश्तबे था लोगों ने इनके बारे में ये गुमान कर लिया कि ये महदी हैं और बाद में वाजे हुआ कि ये महदी नहीं है बाज ऐसे थे कि इनमें से किसी का नाम शोहरत इख्तियार कर गया और उसने अपने महदी होने के बारे में ख्वाब देख लिया कि जिसने रियाज में कहतानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी उसने अपने बारे में ख्वाब देखा था कि मैं महदी हूं और लोग उसके साथ मिल गए और वो बैतुल्ला में पहुंच गया और वहां उसने अपने महदी होने का ऐलान किया याद रखिए ख्वाब की बुनियाद पे ख्वाब की बुनियाद पे शरीयत का मसला आखर नहीं किया जा सकता शरीयत इस्लामिया बंद है अल्लाह की किताब और मुस्तफ़ा के फरामीन में अब कोई ख्वाब देखे और ख्वाब में कहे एक बेवकूफ़ अफ्रीका का रहने वाला उसने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को जिबा कर रहा हूं सुबह उठ के उसने ज़िबा कर दिया उसने कहा मैंने तो इब्राहिम अल्लाम की सुन्नत पर अमल किया है उनको भी ख्वाब आया था उनको भी ख्वाब आया बेटा जिबा करने का मुझे भी ख्वाब आया मैंने भी अमल किया बेवकूफ तू इब्राहिम है तेरा बेटा इस्माइल है खब की बुनियाद पर दीन नहीं बना करता एक खलीफा के पास इनाम साहब आए उसने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि तू मेरे बिस्तर पर सो रहा है और मैंने ताबीर करने वालों से पूछा है उन्होंने कहा बादशाह सलामत ये इमाम साहब आपसे नफरत करते हैं अब मैं तेरा काम तमाम करने लगा हूं उसने कहा बादशाह सलामत मेरी बात सुनिए ना आप इब्राहिम हैं ना आपको ख्वाब की ताबीर बताने वाला यूसुफ अलैहि सलाम है जिसने ताबीर बताई वो भी गलत बता सकता है वो यूसुफ अलैहि सलाम नहीं है और आप नबी इब्राहिम नहीं है कि आपको जो ख्वाब आया सच्चाई आया होगा तो ख्वाब की बुनियाद पर शरीयत के मसाइल नहीं बने जाते आज तो खाब की बुनियाद पर पूरा पूरा कारोबार चलता है पूरे पूरे फिरके चलते हैं है। मेनू ख्वाब आया पीर जी कह रहे भी एथे भी मेरी एक तो है ना इतने भी बना भाई क्यों यहां क्यों बना एक कबर है कह नहीं यहां बैठ के पीर साहब ने चिल्ला किया था मुझे ख्वाब में आकर बताया गया है वो असल मसला ये नहीं होता कि मुझे ख्वाब आया है वो दुकान चंगी चल भी कहता है पुत्र वास्ते भी दुकान खोल लवा पैसे ही आए एक खबर बनाने में कितना खर्चा होता है बाद में दुकानदारी चलती रहेगी मुझे ख्वाब आया है मुल्तान में करो मुझे ख्वाब आया है कराची में करो मुझे ख्वाब आया अल्लाह के नबी कराया इज्ते टिकट मांगा रोटी मांगी पैसे मांगे ये और ये और दज्जाल ख्वाबों के ऊपर अपने दीन के मसले बनाने वाले इनको ख्वाब आए ना आए पेट में से ख्वाब की आवाजें जरूर आती है नवा ख्वाब कांड के चार पैसे चंगे आन ये केजाब और दज्जाल है इस्लाम कुरान और हदीस के अंदर बयान हो गया अब ख्वाबों की बुनियाद पर कुछ नहीं कहा जा सकता याद कर ले एक को अगर कोई शख्स महदी होने का दावा करे और अहादीस में बयान करदा इलामात निशानिए उसमें ना पाई जाए और दज्जाल का जहूर ना हुआ हो तो ऐसा शख्स झूठा है कजाब है दज्जाल है इसी तरह अगर कोई शख्स ईसा आलाम का नाम लेकर कहे कि मैं मसीह हूँ यह दावा करे और दज्जाल की इसकी आमद से पहले दजाल निकला हो तो यह शख्स भी कदाब और दज्जाल है क्योंकि बाद लोगों ने महदी के जहूर का इनकार किया है आइए इनकार करने वालों के दलाइल पे एक दो मिनट में नजर दौड़ाते हैं वो कहते हैं जी महदी का जिक्र हम इसलिए तस्लीम नहीं करते क्योंकि कुरान पाक के अंदर नहीं आया कुरने पाक के अंदर नहीं आया लिहाजा हम तस्लीम नहीं करते कि इमाम महदी आने वाले हैं अगर उन्होंने आना होता तो फिर कुरने पाक में आता वक़्त हो गया है इनशाला अगले दरस के अंदर इस तफसल को पूरा करेंगे अकोलकिहादा वस्तक फ़िर वकुम वलमसमिन हस्तक फ़िर होन्ना वल्क़ोरहीम